हेलो, दिस इज करण वाइंस और आज का व्लॉग जो स्पेशली डेडिकेट आज हो रहा है वो फूडीज़ के लिए हो रहा है। आज मैं संजौली शिमला विजिट करूँगा। संजौली शिमला में जो डेडिकेटेड सेंटर रहेगा इसे पीएल किचन, वहाँ पे मैं विजिट कर रहा हूँ। साथ में कुछ आपको जूसेस के पॉइंट जहाँ पे आप अच्छा जूस ले सकते हो, ठीक है, प्लस पीएल किचन का आज हम व्लॉग शूट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल #करण वाइंस। ओके सो गाइज, मैं अभी रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए और मैं अभी पहुंचा हूं अपने लक्कड़ बाजार से। एक व्यू देख लो आप, लक्कड़ बाजार शिमला पहुंचा हूं मैं। शिमला से हम अभी मैं जा रहा हूं एक जूस पॉइंट की तरफ को आपको बताऊंगा। तो साथ में आप देख रहे हो ये लक्कड़ बाजार, एक छोटी सी मार्केट केमिस्ट शॉप से यहां पे और बहुत ही अच्छा फूड स्ट्रीट कैफ़े यहाँ पर है। बहुत अच्छा फूड है, व्यू ट्राई करें। साथ में मेडिसिन की शॉप्स रहेगी, बहुत सारे ढाबे हैं वेज और नॉन वेज, और एक काउंटर है जूस पॉइंट का, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा काउंटर है। मतलब मैं आपको रियलिटी में तारीफ कर रहा हूँ इस काउंटर की, काउंटर बहुत अच्छा है। यहाँ का आपको मेनू शेयर करता हूँ। तो मेनू में आप देखोगे फ्रेश जूस में गन्ना जूस मिल जाएगा, बनाना आपको पपाया, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, सभी टाइप के जूस मिल जाते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ इसी सेंटर पे, एक गन्ना जूस मैंने ऑर्डर किया है। सो आप देखोगे मैं गन्ना जूस अभी ले रहा हूँ, 20 रुपीज़ का पर ग्लास रहेगा आपको। और भैया की सच बता रहा हूँ, रियलिटी में बहुत ही डिलीशियस। और कैमरे में आने से थोड़ा सा डर रहे थे भैया, सो मैंने थोड़ा सा शूट किया है इनको यहाँ पे। तो आप देखना गन्ने के जूस का शूट है, ये यहाँ पे होते हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। उनके जूस बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं, बहुत अच्छा हाइजीनिक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन भी है। आप देखना इसमें यहाँ पे बना रहे हैं जूस, सभी टाइप के जूसेस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और थोड़े कैमरे से थोड़ा सा डर रहे थे बट उन्होंने थोड़ा सा बोला कि चलो। और यहाँ पे आप जरूर आए, मैं आपको कहता हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनके हाथों में, बहुत ही फ्रेश उसी टाइम निकालते हैं वो गन्ना का जूस ही। हर एक टाइप में केस बनाना शेक लेना है, यहाँ पे कुछ भी लेना है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। और ये शॉप है। सो मैं संजौली पहुंच चुका हूं आज, संजौली के मेन चौक पे मैं हूं। साथ में देख सकते हो आप व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू संजौली का, बहुत सनी डे। और आज हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन जैसे पीएल किचन। पीएल किचन में आपको मैं जा रहा हूं संजौली के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। और साथ में ट्रैवल कर रहे हैं संजौली से चौक से थोड़ा सा आगे आ जाना है, और एक छोटी सी मार्केट संजौली की, जस्ट स्ट्रीट है संजौली बट मार्केट अच्छी है, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। हाँ सनी डे आज, और आप देख रहे हो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। शॉप्स आपको हर एक टाइप की आइटम आपको संजौली में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। साथ में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म है, और एक व्यू आप जरूर लीजिए आज संडे का व्यू संजौली का, बहुत ही डायनामिक व्यू आपके सामने। ग्रीनरी कितनी है, थोड़ा कंजस्टेड है संजौली बट ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मतलब आप आओगे तो बहुत प्यारा व्यू, बहुत ही फोटोजेनिक फोटोग्राफी यहाँ पे करा सकते हैं, अपने फोटो क्लिक्स वगैरह कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ये बीच रास्ते में आपको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे सारा का सारा है। और मैं पहुँच चुका हूँ पीएल किचन का, मैं आपको डायरेक्टली मेन्यू शेयर कर रहा हूँ। मेन्यू में आप देखोगे तो मैं सिग्नेचर्स जो भी आपकी आइटम्स हैं डिश हैं रेस्टोरेंट की वो बता रहा हूँ आपको। सो मैंने जो अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है जैसे कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी, और देखना कितना वुडन का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा हाइजीनिक है, बहुत ही क्लीनिंग रहती है, टीवी आपके लिए है और बहुत ही अच्छा है, स्पेस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। ग्लास रखा है मेनू को, मैंने ऑर्डर दिया है अभी, देखो आप कितना अच्छा टीवी आपका लगेगा साथ में। और मेरा ऑर्डर आने वाला है, और मेरा ऑर्डर आ चुका है, बहुत ही अच्छी सजाई है इन्होंने प्लेट, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, डेजर्ट्स लेके तंदूरी रोटी ना कढ़ाई पनीर एंड तंदूरी रोटी साथ। और मैं खा के आपको बताता हूँ टेस्ट, इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था, मैंने ट्राई किया सारा कढ़ाई पनीर के,
जैसा कि आप देख सकते हो। आज लंच मैंने यहीं पे किया था, पीएल किचन संजोली। आप 5 मिनट्स में पहुंच जाओगे यहाँ पे। संजोली से आपने वॉक इन आओगे बाय फुट आ रहे हो, देन भी आप 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, कढ़ाई पनीर का बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा। आप जरूर आए यहाँ पे, ट्राई करें। और अब साथ में मैं बाहर आ चुका हूँ पीएल किचन से। देखना ये व्यू, संजोली का व्यू अच्छा आता है। संजोली का व्यू देखो आप, बहुत ही डायनेमिक। कंजस्टेड है, आप देख रहे होंगे लेन में कंजस्टेड यहाँ से। और ये पीएल किचन है ना, नज़दीक है आपके। मैं वापस जा रहा हूँ, थोड़े से और पॉइंट्स बताऊँगा आपको मैं बीच में। जैसे आपको मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैं यहाँ पे खा के आया हूँ, और बहुत ही सभी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट संजोली मार्केट में आपको मिल जाएगी। गारमेंट्स लेने हैं आपने ना, कहीं खाना खाना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं सारे। सामान लेना है तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ब्रांडेड ले सकते हो, अनब्रांडेड सब चीज़ें यहाँ पे संजोली मार्केट में रहती है। बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। सो गाइस, मेरा मैं अपने व्लॉग में अभी इसको एंड कर रहा हूँ। आपने पीएल किचन का देख लिया होगा। मैं आपको फीडबैक में सिर्फ यही बताना चाहूँगा इसमें, अगर आप कभी संजोली विजिट करते हैं, आप पीएल किचन जाओगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने लिया था, मेरा नेचुरली पनीर था, जैसे कढ़ाई पनीर प्लस तंदूरी रोटी, तो अगर आप 2 या 3 हो तो आपका 300 रुपीज़ में आपको बहुत ही अच्छा इनका आपको खाना मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा। आप 3 बंदे शेयर कर सकते हैं, 2 बंदे शेयर कर सकते हैं, 300 रुपीज़ में आपको बहुत ही अच्छा एक अच्छा खाना मिल जाएगा। सो आप जरूर विजिट करें यहाँ पे, खाना बहुत ही डिलीशियस है ना। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल #karnwines। थैंक यू सो मच।